नमस्कार दोस्तों, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बिहार चैनल। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले फ्रेंड्स कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन चालू हो चुका है, जिस कैंडिडेट का कैटेगरी है बीसी और ईबीसी। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग किस तरह से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, आवेदन करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो पूरा जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यानी कि बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत परेशानी हो सकता है। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, इस वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, यानी कि डाल दिया, और डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपको क्या करना, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते चले आना है। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, आपको लिखा मिलेगा बीसी एंड ईबीसी स्टूडेंट, क्लिक हेयर टू अप्लाई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ओके, तो सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना है। चले मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको क्या करना, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते चले आना। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखा हुआ मिलेगा सर्च लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड इंटरव्यू। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, कहीं भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं दिया गया। तो कल से जो यहाँ पे एक लिंक एक्टिवेट किया जाएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ओके फ्रेंड्स, तो कल से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप लोग को जो जारी किया गया मैं आप लोग को बता देता हूँ, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आवेदन करने में वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ऑफिशियल कल से जो है सो 12 जून से लेके कब तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, जिस कैंडिडेट का कैटेगरी है बीसी और ईबीसी। ओके फ्रेंड्स, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आवेदन करने में, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन कर चुका हूँ, जो कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखा हुआ है आवश्यक सूचना। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023 अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2022-23 हेतु पीएमएस पोर्टल, इस पोर्टल के ऊपर एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने हेतु दिनांक 12/6/2023 से 15/7/2023 तक तिथि निर्धारित की जाती है। तो आप लोग जैसे कल से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और 15 जुलाई तक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखा हुआ ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश पीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध है। ओके फ्रेंड्स, जो कि मैं आप लोग को बता दिया, आप लोग को कोई भी दिशा निर्देश पढ़ने की जरूरत नहीं है पोर्टल पर जाके। और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट में आपको मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, और बैंक खाता, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और फोटो। और जो कैंडिडेट आईटीआई के हैं और बीए का है, और जो भी जितना हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है, वो शुरू से लेके लास्ट तक जो भी हायर क्वालिफिकेशन है, वो सभी डॉक्यूमेंट आप लोग को लगेगा। ओके फ्रेंड्स, और जाति आवासीय आय, ये तीनों चीज़ भी लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग जान चुके हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कब से आप लोग को ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और कब तक लिया जाएगा, तो आप लोग जान चुके हैं। तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें, ताकि जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।